हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना विजय ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये संडे का क्लिप है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं नाश्ता बना रही थी सुबह का, और फिर दूध वाला दूध लेके आया, तो मैं दूध गर्म करने के लिए यहाँ पे छान रही हूँ। और बच्चों को आज खाना था चाय और खारी, मेरा भी बहुत फेवरेट है खारी, तो मैं इसलिए उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। और मैं सब्जी भी बना रही थी क्योंकि मुझे आज अपने रूम की सफाई करनी थी, थोड़ी तबीयत आज सही लग रही थी, तो मैंने सोचा एक रूम की सफाई कर ली। और बच्चों की छुट्टियां भी थी, तो इसलिए मैंने एक रूम की सफाई की। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की एकदम टेस्टी सी सब्जी, बिना पानी डाले एकदम सूखी सी, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी कभी ट्राई करना, देखना, बिना पानी डाले ही बनाना। मैं पानी नहीं यूज करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर मैं चाय रखी बनने के लिए, बच्चे के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो मैं चाय पत्ती थोड़ा कम डालती हूँ और सिर्फ दूध का बनाती हूँ, पानी नहीं उसमें यूज करती हूँ। तो चाय बहुत टेस्टी बनता है, इसमें पानी डाल दो तो थोड़ा टेस्ट अजीब सा हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे मैं कूट रही थी अदरक और इलायची चाय में डालने के लिए, क्योंकि अदरक और इलायची के बिना तो चाय बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय उतना पसंद नहीं आता है, मुझे कॉफ़ी पसंद आता है, तो मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ। लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं तो वो लोग फरमाइश करते हैं कि मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं कभी कभी बना देती हूँ चाय, क्योंकि कभी कभी तो चलता है, महीने दो महीने में एक बार मैं चाय बच्चों के लिए भी बना देती हूँ। और ये मेरा दूध भी गर्म हो रहा है साथ में, और सब्जी भी मैंने एक साथ में बहुत सारे काम कर लेती हूँ फटाफट। मुझे काम करने की ना आदत ऐसी है कि मैं फटाफट काम कर लूँ और फिर आराम भी कर लूँ। बहुत लोग होते हैं एकदम स्लो मोशन में काम करते हैं और आराम करने के लिए नहीं मिलता है, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं फटाफट काम करती हूँ और आराम भी कर लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी एक साथ दो तीन काम कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। तो अभी आज संडे है और सुबह का नाश्ता हमने कर लिया है। आज नाश्ते में कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, खारी और चाय बना दिया था, बच्चों को बहुत पसंद आता है तो मैंने वही बना दिया। और सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बर्तन भी धो लिया मैंने, और अब देख सकते हो वो ये काम चालू कर दिया मैंने। तो अभी दिवाली बहुत पास में आ गई है और मेरे घर की सफाई नहीं हुई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो अभी मैं अपना रूम साफ करें, और तो मैं ऑलमोस्ट साफ कर लिया धीरे धीरे, और अभी मैं ये अपना रूम साफ कर रही हूँ। तो बेड में का सारा सामान निकाल दिया है, एक ही साइड का निकाल, सिर्फ इस साइड का निकाला है, उस साइड का बाकी है। और यह सामान मेरे हिसाब से सबके घर में बेड में ऐसी सामान भरा रहता होगा। और हमने रूम में भी टीवी लगा लिया अपने, तो अभी चलती हूँ, बहुत गंदा हो गया है, तो अभी मैं इसको साफ करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, पूरे दिन आज करना है काम, और शाम को कहीं जाना है, तो बहुत अच्छा सा ब्लॉग आएगा। आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट करें। तो अभी मैं चलती हूँ, फटाफट सफाई करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेड के सारे सामान निकाले, क्योंकि मुझे पहले बेड साफ करना था, फिर दीवारें साफ करनी थी। मैं दीवारों को भी घिस घिस के साफ करती हूँ। आगे शायद मैंने क्लिप ऐड किया है कि नहीं ऐड किया है मुझे नहीं पता। तो बेड में के सारे चीज़ निकाली थी मैं, चादरें इतनी रखी हूँ, चार पांच चादरें तो बिल्कुल नई रखी हूँ, जो अभी तक यूज भी नहीं किया है, धोया तक नहीं, ऐसे पैकिंग में ही रखा है। और ये सूटकेस मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें सामान भरा हुआ है, सब सामान भर भर के रख देती हूँ इसमें, कपड़े वपड़े, क्योंकि कबाट में जगह नहीं रहता है, तो नए कपड़े मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ। और मेरे कुछ पेपर ऊपर थे इस थैली में, तो वो भी था। और फिर इसको मैं, इतने कचड़ा हो जाते हैं ना इसमें कि मैं क्या बताऊँ, बेड के अंदर, तो फिर उसको साफ तो करना पड़ता है। और ये मेरी बेटी का सारा 9th और 10th के बुक है, जो आगे मेरी छोटी बेटी को शायद यूज में आए, क्योंकि अभी तो हर साल करीब करीब बुक सारे चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से पता नहीं यूज हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाया, फिर खूब अच्छे से कपड़े गीले करके अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ इसका गीला कपड़े से पूरा साफ किया,
जब तक पूरी सफाई नहीं होती ना, मेरे मन को संतुष्टि ही नहीं। फिर यहाँ पे मैं एसी साफ कर रही थी, क्योंकि एसी भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही तो बहुत चलाना पड़ता है एसी, तो गंदा हो गया था। और इधर मेरी बेटी ड्रेसिंग के सारे सामान निकाल के नीचे बैठी है। तो अभी मेरा साफ सफाई हो गया और मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो अभी लेटी हूँ, अभी नहाना बाकी है, तो अभी जाऊँगी नहाने। और मैंने मीशो से, दिवाली है तो तैयारियाँ तो करनी पड़ेगी, तो मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया जो रिसीव हो गया है, अभी अभी जस्ट आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी उसको खोल रही है, ये रहा, क्या है, खोलो तो दिखाओ। तो ये मैं जो हम दिवाली के दिन दिया जलाते हैं ना, उसके लिए मैंने ये बातियाँ। अब क्यों खोल दिया पूरा? खोलो। अच्छा ठीक है, बस पूरा, बस बस बस। तो मैंने बत्तियाँ मंगाए, ये शायद 500 तक है, 500 है बत्तियाँ इसमें। तो ये मैंने मंगाया है, क्योंकि घर पे पहले मैं बनाती थी, टाइम नहीं मिलता था, तो बहुत हबड़ दबड़ करना पड़ता था, इसकी वजह से मैंने इस बार ये ऐसे ही मंगा लिया। तो ये भी नहीं नहाई है और मैं भी नहीं नहाई हूँ, और मेरा घर पूरा एकदम क्लीन हो गया। मेरा रूम, मेरा रूम है। मैं चलती हूँ नहाने, नहा के आऊँगी, फिर हमको कहीं जाना है। तो ये वीडियो करीब 3 दिन से चल रहा है, तो मैं अपनी इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो में, सॉरी। जिसमें अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना। बाय बाय।